told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. चैनल कैसे हैं आप सब, होप सो फाइन होंगे. आई एम ऑल्सो गुड, आई एम नेहा. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट वन ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी आप बोल सकते हैं. सो गाइज, वन ब्रांड इज इनसाइट. तो मैं कुछ टाइम से इनसाइट का ब्रांड यूज कर रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स में, जो मुझे बहुत ही पसंद आया. सो आई थॉट कि मैं आपसे भी वो शेयर करूँ. तो मैंने कुछ सारे प्रोडक्ट उसके मंगा लिए हैं, फाउंडेशन से लेकर फाउंडेशन, ब्यूटी ब्लेंडर, सब कुछ मैंने ऑर्डर करवा दिया है. तो मैं आपको भी उन प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के उसे ऑर्डर कर सकते हैं. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर आई डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले आई एम डन विद माई सी टी एम रूटीन. नाउ आई विल अप्लाई दिस मेकअप फिक्सर स्प्रे ऑन माई स्किन. गाइज, ये ब्लेंडर भी इनसाइट का मैंने ऑर्डर किया है, कि मुझे पसंद आया. आई कैन से ये बहुत सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है. मैं यूज करती हूँ इसको. सो हम स्किन से वापस स्किन में डाला करिए. स्मेल इज गुड, नॉट वेरी हॉट स्मेल. ये मैंने अपना डन कर दिया स्प्रे के साथ. नाउ आई विल अप्लाई प्राइमर. सो दिस इज 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर. ये तीनों इसके अंदर होता है. तो आई विल अप्लाई दिस प्राइमर नाउ. क्वांटिटी इज दिस. ये फाइन टेक्सचर वाइज बहुत अच्छा लगता है इसका, बहुत ही सॉफ्ट है ये प्राइमर. सो मैं काफी टाइम से यूज कर सकता हूं ये प्राइमर. सो आई लाइक दिस वन. आई विल अप्लाई फाउंडेशन ऑन माई स्किन. यूज दिस बीबी फाउंडेशन इन साइड का. इस तरीके की क्यूट सी बॉटल है, बहुत क्यूट सी लगी मुझे. तो देखते हैं स्किन पे कैसा वर्क करती है ये. थोड़ा ही पिंकिश पिंकिश का लुक दे रहा है. नेचुरल बेज इसका शेड है. नेचुरल बेज में को शूट होता है, मतलब स्किन पे नेचुरल बेज ही जाता है इसलिए. नाउ गाइस, मैंने डैप टैप करके पूरी स्किन पे इसको टैप कर दिया है अच्छे से. गाइज, आई एम डन विथ फाउंडेशन. नाउ आई विल अप्लाई ब्रेस्ट पाउडर. तो ये है मिनराइल ब्रेस्ट पाउडर SPF 14 फ्लॉलेस फिनिश. इसका पैकेजिंग है और पैक सी किट. इसका लाइट कॉम्प्लेक्शन विद पीच अंडरटोन. जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था वहाँ वहाँ पे मैं इसको डाटा पैक करूँगी कॉम्प्लेक्स पाउडर को. Have applied all over my face. Now I will do my eyes. लेकिन eyes के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है. तो मेरे पास inside के बहुत सारे lipsticks available हैं. Lipsticks I have, तो मैं इनमें से एक shade अपने eyes के ऊपर use करूँगी. तो मैं use करने जा रही हूँ this pink shade on my eyelids. सो मैंने अपने आईज के ऊपर लगा. सो गाइस, आई एम डन विद माय ब्लश आईलिड्स एंड लिड्स. नाउ अभी मैं यूज करूंगी काजल. ये मुझे इनसाइट का काजल किट के अंदर मिला था. तो दिस इज हाउ इट इज. इसके साथ एक शॉर्पनर भी है. ये सुपर काजल फ्री शॉर्पनर है. नो स्मज, लाइक अप टू 50. तो लेट्स सी कैसा होता है ये. तो इस तरीके से नल लाती हूँ. अब आई विल अप्लाई मश्कारा. ये मश्कारा इस पैकेजिंग में रिसीव्ड हुआ.
माय हाईलाइट नाउ. तो ये हाईलाइटर है, तो अब मैं हाईलाइट करूंगी अपने और अब मेरा फाइनल टच. ये मैंने हाईलाइट कर लिया है, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका, मुझे बहुत पसंद आता है इनसाइड का हाईलाइटर. तो जो इसका इनसाइड का हाईलाइटर का जो शेड है वो है फ्रॉस्टेड हार्ट 04 फ्रॉस्टेड हार्ट. तो गाइस अब मेरे लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, तो अब मैं लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ. तो मेरे पास इनसाइड की बहुत सारी लिपस्टिक कलेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे लिपस्टिक का बहुत सारा कलेक्शन है, क्योंकि आई लव दिस कलेक्शन. आई विल यूज़ दिस लिपस्टिक, शेड इज कोकोआ प्लम 05 इनसाइड कोकोआ प्लम शेड है इसका. Guys, I'm done with my makeup now. And अब हम इसका last step करेंगे जो मैं कभी नहीं भूलती, वो है makeup fixer. So, अब जो हर लड़की को नहीं भूलना चाहिए, उनका favorite step वो है, ये है inside का मस्त फ्री परफ्यूम. मुझे बहुत पसंद आता है इसका स्मेल, नो बहुत अच्छा है. सो सो गाइज दिस इज इट. आज का मेरा ये वन ब्रांड मेकअप है जो मैंने सारा इनसाइड से कराया, मेरे आई शेडो से लेकर मेरा ब्लशर से लेकर, ये सारा मेरा इनसाइड का है. सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ अपने इनसाइड के मेकअप किट के साथ. यस गाइज, ये इनसाइड का मेकअप किट है जो मैंने रिसीव किया था अमेजोन से. दिस इज इट, ये इनसाइड का कॉम्बो किट है. मतलब ये किट तो फ्री आती है, इसके अंदर आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब आप बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन प्रोडक्ट्स 4 ही मिलेंगे. उसके साथ जो मुझे रिसिप्ट हुआ है इसमें वो है एक काजल के अंदर कॉम्बो पैक में, और दूसरी चीज़ मुझे रिसिप्ट हुआ है ये प्रेस पाउडर जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा है, SPF 24 है ये. थर्ड चीज़ जो मुझे रिसिप्ट हुई है इसके अंदर वो है प्राइमर इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, और फोर्थ चीज़ जो मुझे इसके अंदर रिसीव हुई है वो है मेकअप फिक्सअप. तो गाइस के अंदर ऑप्शंस भी हैं, आप 4 में क्या क्या लेना चाहते हैं वो भी आपको इसमें, जब आप इसको बाय करने जाएंगे तो उसके नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. और किट इज़ वेरी गुड गाइस, मुझे ये बहुत पसंद आई है. ओवरऑल क्वालिटी इसकी सो गुड, और इसमें आप कुछ भी रख के जा सकते हैं. तो मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट इनसाइड के इसके अंदर आ जा रहा है, तो आई एम लविंग दिस. सो आप भी इसको बाय कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूँगी. सो गाइस बताइएगा आपको कैसे लगा. दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, मिलते हैं, सी या. ख्याल रखिए अपने अपने.